आप देख रहे हैं दखल न्यूज। नमस्कार, मैं पंडित अरविंद तिवारी। दखल न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में मैं आज आपको बतलाऊंगा कि गोवर्धन पूजा क्या है, कैसे करें, इसका क्या महत्व है और इसको करने से आपको क्या लाभ प्राप्त होने वाला है। जैसा नाम से हम सभी समझ पा रहे हैं, गोवर्धन पूजा अर्थात गोवर्धन यानी गोधन की पूजा भी इसको कहा जाता है। गोधन का तात्पर्य है गौ का धन, गौ का धन अर्थात हम गौवंश की भी पूजा करते हैं। आज हम गाय का जो गोबर होता है उससे बहुत सुंदर सा गोवर्धन पर्वत बनाते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं पर्वतों में अर्थात पर्वतों में गोवर्धन पर्वत हूँ। भगवान ने अपने आप को गोवर्धन पर्वत का स्वरूप माना है। तो आज के दिन गोवर्धन पूजा करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि दीपावली पंच पर्वों का त्यौहार है। कल हमने दीपावली का पर्व मनाया, आज गोवर्धन पूजा है। गोवर्धन पूजा, जैसा कि नाम से हम समझ पा रहे हैं कि हम गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। सभी लोगों का गोवर्धन पर्वत तक जा पाना संभव बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हम अपने घर में, अपने आंगन में, अपनी छत पर, अपने घर के आंगन में भगवान गोवर्धन का पर्वत बहुत सुंदर तरीके से बनाते हैं। गोवर्धन पर्वत बनाया काय का जाता है ये भी मैं आपको बतला ही देता हूँ, हालांकि हमारे सभी दर्शक इस बात को भली भांति जानते हैं। आज के दिन गाय का जो गोबर होता है उससे बहुत सुंदर सी एक आकृति बनाई जाती है। कई मामलों में पर्वताकार आकृति को हम बनाते हैं, कई मामलों में आप देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण के सदृश एक आकृति का निर्माण किया जाता है, जिसमें भगवान का श्रीमुख होता है, उनके दो हाथ होते हैं, दो पैर होते हैं और वो बहुत सुंदर तरीके से मुस्कुरा रहे होते हैं और उनके पीठ में एक नाभि स्थल बना होता है। ये गोवर्धन का एक स्वरूप होता है जिसको बनाया जाता है। कई जगह खासतौर से उत्तर भारत में ब्रज के इलाके में गोवर्धन को एक पर्वत के स्वरूप में बनाया जाता है, जैसे एक पर्वत की शिला या चट्टान होती है उसको उसके स्वरूप में हम बनाते हैं। बीच में एक छोटा सा नाभि छिद्र हम हमेशा करते हैं, नाभि स्थल बनाते हैं। जो भी भोग लगाया जाता है भगवान गोवर्धन को, उस नाभि स्थल में उसको डाला जाता है। देखिए, गोवर्धन पूजा या गोधन की पूजा की परंपरा कैसे शुरू हुई, इसके बारे में एक बहुत सुंदर सी कथा है जो हमारे सारे दर्शकों को मैं बतलाना चाहूँगा। कथा इस प्रकार से है, जैसा हम सभी जानते हैं कि उस प्राचीन काल यानी द्वापर युग में इंद्र पूजा का की परंपरा मानी गई थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष, चूंकि उस समय बारिश लगातार होती रहती थी और चूंकि शरद ऋतु आ जाती थी, इसके बाद शीतलता की स्थिति होती थी और भगवान इंद्र की पूजा लगातार की जाती थी। इंद्र भगवान की पूजा होने से इंद्र कई मामलों में थोड़ा सा अभिमानी हो गए थे। भगवान कृष्ण उनके अभिमान को शांत करना चाहते थे, अर्थात उनको वो यथा स्थिति बतलाना चाहते थे कि आप केवल और केवल एक देव हैं, आप देवों के देव हैं लेकिन आप भगवान नहीं हैं। चूंकि इंद्र को लगातार घमंड होता जा रहा था, तो भगवान चूंकि बहुत छोटी सी आयु में थे, लगभग 8 से 9 वर्ष की आयु भगवान की रही होगी, तो उन्होंने अपने पिता और माता से कहा कि हम क्यों इंद्र की पूजा करते हैं, क्या कारण है। तो उन्होंने कहा इंद्र जो है वो मेघों का देव है, अर्थात वर्षा जो होती है वो केवल और केवल इंद्र के कारण होती है और तो उस वर्षा के चलते जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है, बहुत सुंदर बारिश होगी तो हमारी गऊओं के लिए अनाज पैदा होगा, घास पैदा होगी, बहुत सुंदर सा अनाज पैदा होगा और उस अनाज से हम लोगों की भूख मिटती है और उस अनाज को बेचकर हम हमारे जो उपयोगी धन होता है उसको कमाते भी हैं।
माँ ने माँ से लल्ला ने कहा, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हम इंद्र की पूजा क्यों करें, जबकि हमारे यहाँ जो वर्षा होती है वो तो हमारे यहाँ जो ब्रज का जो पर्वत है जिसको हम गोवर्धन कहते हैं उसके छाँव में बहुत सुंदर सुंदर सी घास पैदा होती है, वहाँ हमारी गैया चरने जाती हैं और उस घास को हमारी गैया खाती हैं जिससे बहुत सुंदर दूध प्राप्त होता है। क्योंकि गोवर्धन पर्वत पर बहुत सुंदर सा वन लगा हुआ है और उस वन के चलते हमारे यहाँ बारिश होती है, उसमें इंद्र का कोई योगदान नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी इन मोहक बातों से सारे लोगों को का मन मोह लिया और मोहने के उपरांत उन्होंने कहा, सबको तैयार कर लिया कि हमको अब इंद्र की पूजा ना करके गोवर्धन की पूजा अर्चना करनी है। और सारे लोगों ने पकवान बनाए और पकवान बनाने के उपरांत अपनी अपनी गाड़ियों में पकवान लेकर गोधन लेकर गोवर्धन पर्वत के पास चले गए, गोवर्धन पर्वत की पूजा अर्चना करी। ये बात जब मेघों ने जाकर इंद्र को बताया तो मेघों को पता लगा कि ये तो हमारी पूजा बंद एक तरह से इन्होंने कर दी है और ये परंपरा यदि पूरे संसार में फैल गई कि इंद्र पूजा आवश्यक ही नहीं है तो कोई हमको पूजेगा ही नहीं। क्योंकि द्वापर का युग था, आज जैसा युग नहीं है, पहले देवी देवता बहुत आसानी से प्रकट हो जाते थे। उसके पीछे का कारण है कि हम लोग असत्य भाषण नहीं करते थे, सत्य बोलते थे, अपने विचारों पर अडिग रहते थे, ईमानदारी से अपने जीवन का निर्वाह किया करते थे। तो इंद्र नाराज हुए और इंद्रों ने अपने मेघों को आज्ञा दी कि जाओ और पूरे ब्रजमंडल को डुबा दो, जहां गोवर्धन का पर्वत है उसके आसपास के सारे गांवों को डुबा दो। जैसे ही सारे लोग पूजा अर्चना करने लगे तो उसी समय बहुत जोर की बारिश हुई, लोग घबरा गए और घबरा कर सब नंद बाबा के पास आए और उन्होंने कहा कि ये क्या हो गया है, हमारा तो पूरा ब्रजमंडल डूबने लगा है और यदि ये डूब जाएगा तो हम लोग रहेंगे कहाँ। तो सब लोग नाराज होने लगे तो नंद बाबा दौड़े दौड़े अपने लल्ला के पास आए, कान्हा के पास आए और कान्हा के पास आने के बाद उन्होंने कहा कि हे कान्हा, हमने आपके कहने पर पूजा अर्चना तो कर ली, अब हमारी रक्षा कौन करेगा। तो कान्हा ने कहा, बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जिसकी हम पूजा अर्चना कर रहे हैं वही हमारी रक्षा भी करेगा। तो उन्होंने कहा कैसे, तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत को प्रणाम किया और एक अपनी बहुत सहज मुद्रा में वो खड़े हो गए, छोटी उंगली पर उन्होंने गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया, गोवर्धन इतना हल्का हो गया कि उनकी छिंगली पर आकर टिक गया। लोग घबरा गए, उन्होंने कहा ये क्या हुआ, इतना बड़ा पर्वत, लोगों ने अपनी लाठियां लगा दी लेकिन गोवर्धन तो गोवर्धन थे, क्योंकि भगवान ने कहा कि पर्वतों में मैं गोवर्धन। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि वो गोवर्धन पर्वत के ऊपर स्थिर हो जाए और इस प्रकार से स्थिरता लेकर आए कि वर्षा का बेग जो है इसके आसपास भी दिखाई ना दे। दूसरा, उन्होंने अपने अंश यानी शेषनाग को आदेश दिया कि वो वर्षा की धारा को इस प्रकार से नियंत्रित करे कि किसी भी रूप में पानी जो है वो पर्वत तक ना पहुंच पाए। और 7 दिवस तक 24 घंटे इंद्र ने इस प्रकार ऐसी वर्षा कराई कि ऐसा लगा कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाएगा, परंतु भगवान ने अपने पर्वत के जो उंगलियों पर धारण किया हुआ पर्वत था उसके नीचे सारे ब्रजमंडल को खड़ा कर लिया। क्या पशु, क्या पक्षी, क्या गाय, क्या गोधन, क्या स्त्री, क्या पुरुष, छोटे छोटे से गोप, छोटी छोटी सी ग्वालाएं, सब उसके नीचे। जब इंद्र का सारा पानी समाप्त हो गया तो वो घबरा गया और दौड़ा दौड़ा ब्रह्मा के पास गया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, ये ब्रजमंडल में कौन प्रकट हो गया है जिसके चलते मेरी पूजा बंद हो गई और मैंने इतना पानी गिराया, इसके उपरांत भी इस ब्रजमंडल का कुछ भी नहीं हुआ। तब उन्होंने कहा कि ब्रजमंडल में स्वयं साक्षात परम ब्रह्म यानी विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया है और इस प्रकार से चूंकि उन्होंने यदि किसी परंपरा को प्रारंभ किया तो आप उस परंपरा में किसी भी स्वरूप में बाधा नहीं बन सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में इंद्र आकर गिरे
और भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। उसके बाद से पूरे ब्रजमंडल में गोवर्धन पूजा की परंपरा प्रारंभ हुई। देखिए, गोवर्धन पूजा एक प्रकार से प्रकृति पूजा है, अर्थात हम अपनी प्रकृति की पूजा करते हैं। पर्वत, पहाड़, नदी, नाले, उस जमाने में भी प्रकृति की पूजा स्वयं ईश्वर ने अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने की। तो हम और आपको आज प्रकृति की पूजा करना है, अर्थात उस प्रकृति के निमित्त हम उस गोवर्धन की पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो हम गोवर्धन की पूजा अर्चना करें, कैसे पूजा अर्चना करें? गोवर्धन की पूजा के लिए हमको सिंदूर, पंच प्रकार से पूजा अर्चना करना चाहिए, अर्थात दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से हम गोवर्धन की पूजा अर्चना करते हैं। बहुत सुंदर सा सिंदूर लगाते हैं, खीर आज के दिन बनाई जाती है, खीर जो है भगवान गोवर्धन के नाभि कुंड में डाली जाती है, फिर उसके उपरांत उनकी आरती की जाती है, उनको मिष्ठान का भोग लगाया जाता है, अन्नकूट अर्थात 56 प्रकार के भोजन का भोग भगवान श्री गोवर्धन को लगाया जाता है। इस प्रकार से गोवर्धन पूजा की जाती है। यदि हम और आप गोवर्धन की पूजा अर्चना नियमित रूप से करते हैं तो आप मानकर चलिए कि भगवान श्री कृष्ण का साक्षात आशीर्वाद आपको हमेशा प्राप्त होता है। और आज के दिन चूंकि गोवर्धन पूजा का विधान है तो आप सभी लोग मिलकर भगवान श्री गोवर्धन की पूजा अर्चना करें, उनको भोग लगाएं, यथा योग्य भोग लगाएं। आज के दिन चूंकि दोपहर में इनकी पूजा अर्चना होती है, इनका पूजा अर्चना का समय सुबह प्रातःकाल 9 से 10:30, मध्य दिवस तक अर्थात अभिजीत मुहूर्त जो 11:30 से 12:15 के बीच में है, आप इस समय तक गोवर्धन की पूजा अर्चना करें ताकि गोवर्धन का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। इस प्रकार से आप गोवर्धन की पूजा करिए, फिर इसके बाद गोवर्धन को उड़ा दिया जाता है, अर्थात आपके यहाँ से बहुत सुंदर सा एक साफ वस्त्र लेकर उनको आप उड़ा दें ताकि वो आराम कर सकें। गोवर्धन को हमारे यहाँ चूँकि बनाया गाय के गोबर से जाता है, गाय का गोबर हो या आप भैंस या किसी भी गोधन के आप उसको ले सकते हैं, उससे पूजा अर्चना करें। गोवर्धन की पूजा का जो सबसे बड़ा लाभ होता है, आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती, आपके हमेशा धन बना रहता है। आप लगातार उनकी पूजा करेंगे तो आपके घर में वास्तु दोष निर्मित नहीं होते, क्योंकि हम एक तरह से एक वास्तु पुरुष की भी पूजा अर्चना कर रहे हैं। आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई वास्तु दोष हो तो आप वास्तु दोष के निमित्त आप गोवर्धन की पूजा अर्चना कर सकते हैं। आप पूजा अर्चना करेंगे तो आपको अवश्य लाभ की प्राप्ति होगी। आइए हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उपरांत हम एक बार पुनः आपको बतलाएंगे कि आखिर भाई दूज क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है और हमको भाई दूज पर क्या विशेष करना चाहिए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आइए ब्रेक के बाद एक बार पुनः आपका स्वागत है और आप हम और आप इस बात को जानते हैं कि भाई दूज क्या होता है। देखिए, भाई और बहनों के बीच में इस देश में दो सुंदर से त्यौहार मनाए जाते हैं। सबसे पहला त्यौहार होता है रक्षाबंधन, जिसमें बहन अपने भाई के कलाई पर एक बहुत सुंदर सी राखी यानी रक्षा सूत्र बांधती है और वो भाई से इस बात का वचन लेती है कि वो बहन की हमेशा रक्षा करेगा। और एक और बहुत सुंदर सा त्यौहार जो मनाया जाता है, उस त्यौहार को बोलते हैं भाई दूज। ये त्यौहार मनाया जाता है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया, जिसको यम द्वितीया भी कहा जाता है। बहुत सुंदर सी कथा है यम द्वितीया की, मैं अपने चैनल के सभी दर्शकों को यम द्वितीया की बहुत सुंदर सी कथा सुना रहा हूँ। भगवान सूर्य के दो संतान थी, जिनमें से एक संतान यम थी और एक संतान थी यमुना। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। यमुना अपने भाई यम को हमेशा बुलाया करती थी, लेकिन चूंकि यम मृत्यु के देवता थे, लगातार उनकी बहन उनको बुलाया करती थी तो वो बड़ा आश्चर्य करते थे कि आखिर ऐसा कौन है जो कि मृत्यु के देवता यानी यम को बुला रहा है। तो देखा कि उनकी बहन उनको याद कर रही हैं, तो वो अचानक कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को अपनी बहन के घर पहुंच गए। उन्होंने कहा, बहन आप मुझे क्यों याद कर रही हैं? उन्होंने कहा, बहन जो है भाई को हमेशा याद कर सकती है।
तो उन्होंने कहा आज आप आ गए तो मैं आज आपके साथ बहुत प्रसन्न हुई। जब वो उनके घर गए तो उन्होंने बहुत सुंदर सा उनके हाथ में आटे का लेपन किया, उनके हाथ उनकी अंजलि में उन्होंने पंच मेवा रखा, शहद भी रखा, जितने भी मेवा हो सकते थे वो सारे मेवा उन्होंने उनकी अंजलि में रखे। फिर उसके बाद उन्होंने उनकी अंजलि पकड़कर यमुना में दोनों भाई बहन ने डुबकी लगाई। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों किया, उन्होंने कहा मैं अपने भाई को अपने घर बुलाया है तो मैं उनको शुद्ध कराकर अपने घर में प्रवेश कराना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों, उन्होंने कहा आप मृत्यु के देवता हैं और कोई आपको आमंत्रित नहीं करता, इसलिए हम आपको शुद्ध कराकर अपने घर में प्रवेश कराना चाहते हैं। तो वो बेहद प्रसन्न हुए। तो उन्होंने कहा कि बहन तुम क्या चाहती, उन्होंने कहा आज के दिन मैं ये चाहती हूँ कि जब भी भाई अपनी बहन के घर पहुँचे और दोनों भाई बहन इस प्रकार से एक दूसरे के साथ स्नान करें, शुद्ध हों, और फिर उसके बाद बहन अपने भाई के पैर को धुलाकर उसके शरीर को शुद्ध करके उसके हाथों में आटे का या चावल का घोल लगाए, हाथ में बहुत सुंदर सा शहद लगाए यानी मधु लगाए, उसके बाद उसके हाथों में पान के ऊपर पंच प्रकार का मेवा रखे और अपने हाथ से अपनी भाई को भोजन कराए। जो भी इस प्रकार से करे तो उनको किसी भी प्रकार से नारकीय अर्थात नरक में ना जाना पड़े। यम बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने यमुना को यह आशीर्वाद दिया कि आज के दिन जो भी भाई अपनी बहन के घर जाकर दोनों साथ में किसी पवित्र सरोवर में स्नान करें या घर पे भी स्नान कर सकते हैं हाथ पकड़कर, और स्नान करने के उपरांत जब इस प्रकार से बहन अपने भाई की सेवा करेगी तो भाई और बहन और उनका पूरा परिवार नरक के दोष आकस्मिक मृत्यु के दोष से मुक्त हो जाएगा। तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया यम द्वितीया कहलाती है, इसको भाई दूज भी कहा जाता है, अर्थात दूसरे दिन भाई अपनी बहन से मिलने आता है। इस दिन बहन अपने भाई के घर नहीं जाती, रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई के घर जाती है, परंतु आज के दिन भाई अपनी बहन के घर जाता है। जो भाई अपने घर बहन के घर नहीं जाते उनसे यम अर्थात जो मृत्यु के देवता हैं वो बेहद नाराज हो जाते हैं। तो इसलिए यदि आपकी बहन है तो आज के दिन आप अपनी बहन के घर अवश्य होकर आइएगा, उससे तिलक रूपी आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। यदि आपने इस प्रकार से अपनी बहन से आशीर्वाद लिया तो जीवन भर आपको किसी भी प्रकार से आकस्मिक मृत्यु, आजकल के दौर में आप देखते होंगे दुर्घटना में लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो उस प्रकार की दुर्घटना से मृत्यु आपकी नहीं होगी। आप अपने जीवन को वैसे ही संपूर्ण करेंगे जैसा कि विधाता ने आपके बारे में लिखा है। तो इस प्रकार से आप अपनी बहन के घर जाएं, तिलक लगवाएं। आज अपनी बहन को उपहार भी दिया जाता है, जैसे यम ने अपनी बहन यमुना को उपहार दिया और आशीर्वाद दिया, वैसे ही आप अपनी बहन को कुछ भी उपहार स्वरूप जो आपको देना चाहें, सहज रूप से जो आपको अच्छा लगे, साड़ी है, कपड़े हैं, स्वर्ण आभूषण हैं, चांदी के बर्तन हैं, स्टील के बर्तन हैं, जो आप देना चाहें वो आप अपनी बहन को अवश्य दीजिएगा। ये उपहार देने की परंपरा है। अब मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि विभिन्न राशि के जातक, खासतौर से विभिन्न राशि की जो बहनें हैं, वो ऐसा क्या करें जिससे भाई को राशिगत रूप से लाभ मिल सके। यदि आप मेष राशि की जातक हैं और आपका भाई मेष राशि का जातक है तो आज क्या करें, आज लाल चंदन से आप अपने भाई को तिलक अवश्य लगाइएगा। आप लगाएंगे तो भाई आपको बहुत सुंदर सा आशीर्वाद देगा और सबसे बड़ी बात आपका राशि स्वामी आपसे बेहद प्रसन्न अवश्य रहेगा। बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातक, बहन है या भाई क्या करें। आज के दिन भाई यदि आपके घर आता है तो आपको भाई के हाथों में आटे और चावल का बहुत सुंदर सा घोल लगाना है और साथ साथ उसके पैरों पर भी आपको आटे और चावल का घोल लगाना है और बाद में अपने भाई का मुंह मीठा आपको दही से कराना है। तो कराकर देखें और कोशिश करें, बहुत सुंदर सा आप चंदन का आशीर्वाद दें और एक सुंदर सा श्वेत वस्त्र, श्वेत रुमाल आज अपने भाई को आप अवश्य प्रदान करें, श्वेत वस्त्र भी दे सकती हैं, उससे भी आज का दिन काफ़ी बेहतर बनेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की बहनों और भाइयों के लिए। यदि आप मिथुन राशि के भाई या बहन हैं तो आज के दिन
आप अपनी बहन को कोई हरे रंग की चीज़ अवश्य दें। जैसा कि परंपरा है, हरे रंग का पान के ऊपर आज पंचमेवा दिया जाता है, तो आज पान के ऊपर आप पंचमेवा अपने भाई को दे सकती हैं। यदि भाई हैं तो आप अपनी बहन को बहुत सुंदर सी हरी साड़ी या हरी चूड़ियाँ भी दे सकते हैं। यदि आप कर्क राशि की बहन या भाई हैं तो क्या करें, आज आप अपने भाई को बहुत सुंदर मखाना, जिसको कहते हैं मखाना, अवश्य खिलाएं। मखाना खिलाने की परंपरा है, तो आप कर्क राशि की जातक हैं तो आज मखाना अपने भाई को खिलाएं और भाई भी अपनी बहन को मखाना अवश्य खिलाए और कोई चांदी का उपहार अवश्य दे। बहन से आशीर्वाद आपको बहुत सुंदर सा प्राप्त होगा। यदि आप सिंह राशि के जातक हैं और सिंह राशि की आप बहन हैं तो क्या करें, आज अपने भाई को आप एक लाल रंग का रुमाल अवश्य दीजिए, लाल रक्त चंदन से आप उनको तिलक अवश्य लगाइए और तिलक लगाने के उपरांत आप भाई से बहुत सुंदर सा उपहार अवश्य लीजिए। यदि आप कन्या राशि की जातक या कन्या राशि की बहन हैं, भाई हैं, तो आज आप अपने भाई को एक पान का बीड़ा अवश्य खिलाइएगा। बहन है तो भाई को, भाई है तो बहन को आप पान का बीड़ा खिलाइए, ताकि दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत स्नेह और सम्मान रख सकें। बात करते हैं तुला राशि के जातक भाई और बहनों की, तो आज तुला राशि के जातक भाई बहन अपने भाई को आज बहुत सुंदर सी मखाने की खीर खिलाइए। दोनों एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा मखाने की खीर खिलाएंगे तो अवश्य ईश्वर आप पर बहुत प्रसन्नता और अनुकंपा अवश्य दर्शाएगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि के। देखिए, वृश्चिक राशि के जातक आज अपने बहन को लाल चूड़ियाँ और लाल साड़ी अवश्य दे, ताकि बहन का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। वहीं हम बात कर लेते हैं धनु राशि के जातक बहन और भाइयों के बारे में। यदि आप धनु राशि के जातक बहन या भाई हैं तो आप अपने बहन अपने भाइयों को केसर का तिलक अवश्य लगाएं। केसर का तिलक लगाने से न केवल गुरु मजबूत होगा अपितु दोनों के बीच में प्रेम बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। बात करते हैं मकर राशि की जातक महिलाएं या भाइयों के बारे में। तो मकर राशि के जातक भाई बहन आज के दिन क्या करें, आज के दिन आपको एक दूसरे को कुछ नमकीन अवश्य खिलाना है। कोई भी नमकीन, मंगोड़े हों, दही बड़े हों, कुछ भी हो, थोड़ा सा एक दूसरे को अवश्य खिलाइए, बहुत प्रेम बढ़ेगा और साथ में शनि और राहु भी आपके प्रति स्नेह रखेंगे। बात करते हैं कुंभ राशि के जातक भाई और बहनों के बारे में। तो आज के दिन कुंभ राशि के जातक भाई बहन क्या करें, आज के दिन कुंभ राशि के यदि आप भाई हैं तो आप अपनी बहन को कोई बहुत सुंदर सा घड़ा या बर्तन अवश्य लेकर जाएं, जिसमें वो पानी पी सके या उसमें कुछ भोजन बना सके, तो आज इस तरह का उपहार आप अपनी बहन को अवश्य दीजिएगा। बात करते हैं अंतिम राशि यानी मीन राशि की। तो मीन राशि वाले जातक क्या करें, आज अपनी बहनों को बहुत सुंदर सी पीली साड़ी दें, उनको केसर से बनी हुई कोई चीज़ दें या पीली मिठाई उनके घर अवश्य लेकर जाएं। इस प्रकार से आप अपनी बहन को उपहार देंगे या बहनें अपने भाई को केसर का तिलक लगाएंगी तो आप लोगों में प्रेम अवश्य बढ़ेगा। तो ये था विभिन्न राशि की बहनें और भाई एक दूसरे के लिए क्या करें। तो आज यम द्वितीया का बहुत सुंदर सा पर्व है, बहुत सुंदर सा त्यौहार है, तो इस त्यौहार को प्रेम और उल्लास से मनाएं। जिस प्रकार यम ने अपनी बहन यमुना के प्रति प्रेम दर्शाया, जिस प्रकार यमुना ने अपने भाई यम के प्रति प्रेम दर्शाया, ऐसे ही सारे भाई बहन अपने अनुजों के लिए, अपनी बहनों के लिए प्रेम दर्शाएं। ये प्रेम का पर्व है, इसको बहुत हर्षोल्लास से मनाएं। बस इतना ही। दखल न्यूज़ के सभी दर्शकों को पंडित अरविंद तिवारी का नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।